शहीद हो गए। निश्चित तौर पर न सिर्फ रामानुज जी के परिवार को लॉस है बल्कि देश को लॉस है, और ये लॉस की पूर्ति शायद ही की जा सकती है। मैं सबसे पहले रामानुज जी के जो शहीद हो गए लोगों के बीच में नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार को ढाढ़स मिले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये किसी परिवार के नहीं थे, देश के लिए जी रहे थे, और निश्चित तौर पर एक जवान जो सिर्फ भारत माता की सेवा कर रहा था, अपने परिवार का भी सेवा कर रहा था, गरीब परिवार से थे और बहुत संघर्ष और बहुत मुश्किलों से दौर से गुजर करके उनके परिवार के लोगों ने भरण पोषण किया और देश की सेवा में अपनी जान के न्यौछावर कर दिया। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिसके माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं और उनके परिवार को ढाढ़स दूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है इस गम को बर्दाश्त करने की क्षमता कैपेसिटी रामानुज जी के परिवार को माँ बाप को हो, ये प्रार्थना करते हैं। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।